गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त है? अपने अपने साइड पे काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आया देख के आप सब लोगों को। इनफैक्ट मैं जब 7 महीने पहले आप लोगों से मिला था तो 3,300 सब्सक्राइबर्स थे, और आज आप सब लोग मिलके 5,013 कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए। तो आप सब ये जो 1,700 एडिशनल सब्सक्राइबर्स हुए हैं, उन सबका स्वागत। अभी आप सब लोग जानना चाहेंगे कि मैं पिछले 7 महीने से वीडियोस आपके लिए अपलोड क्यों नहीं कर पाया। इसका जवाब दूंगा मैं, लेकिन इस वीडियो के बाद में देखते रहिए। तो आज बहुत सारे सवाल आए हुए हैं यूट्यूब पे, तो उसमें से रिसेंट एक सवाल मिस्टर पवन कुमार थोरात इन्होंने पूछा हुआ है, वो सवाल लेते हैं। सबसे पहले दो सवाल है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं दोनों सवाल। तो पहला सवाल इन्होंने पूछा है कि अगर 7 दिन क्यूरिंग के बाद 50% और जो स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ होती है वो ना मिले, तो हमने तो स्लैब कास्ट कर दिया है, फिर क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। दूसरा सवाल जो पवन ने पूछा है, सर प्लीज टेल इफ यू फील द मोल्ड टू चेक कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द RMC और मिक्सर एंड आफ्टर 7 डेज इट कांट गिव द 50% स्ट्रेंथ, देन वॉट कैन आई डू? प्लीज टेल मी द आंसर। यस पवन, इसी के बारे में बात करेंगे आज। हाँ भैया पवन कुमार, अब आपके सवालों का जवाब। तो आप क्या कह रहे हो कि 7 डेज की स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो नहीं आ रही है? पहले इसका मतलब मालूम है ना आपको, रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि अगर आपको 7वें दिन स्ट्रेंथ चाहिए तो 65% या अबो आनी चाहिए। मतलब अगर M20 का कंक्रीट हमने बनाया हुआ है तो 20 × 0.65 = 13, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ 13 N/sq mm से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात ध्यान में आया? अभी आपने टेस्टिंग किया और 7वें दिन की स्ट्रेंथ M20 की समझ लो आती है 10 N/sq mm, तो क्या करना है यह सवाल है। इज इट क्लियर? अपना बेसिक एजम्पशन क्लियर होना चाहिए कि हमने 7 डेज स्ट्रेंथ चेक की है और वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ से कम आ रही है। ओके, अब इसके ऊपर जवाब कि 7वें दिन की स्ट्रेंथ अगर 65% नहीं आ रही है तो उसकी दो संभावना है, या तो आपने OPC यूज किया है या PPC यूज किया है। अगर PPC यूज किया हुआ है तो PPC की केस में रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ ये OPC से कम है, तो नेचुरली 7 डेज की स्ट्रेंथ PPC की केस में OPC से कम आएगी। तो उस केस में चिंता का कोई विषय नहीं है, आप 28 दिन की स्ट्रेंथ चेक कीजिए। वो स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे भी दो ऑप्शंस है, या तो 28वें दिन की स्ट्रेंथ M20 या ज़्यादा आएगी या M20 से कम आएगी। अगर M20 से ज़्यादा आई है नथिंग टू वरी, M20 से कम है, अगर M20 से कम है तो यही सवाल है आपके मन में, तो अभी क्या करना? RMC तो आपको माल लेके चला गया, हो सकता है उसका पेमेंट भी आपने एडवांस में कर दिया हो और स्लैब आपने कास्ट कर दिया है, अभी स्लैब का क्या करेंगे? तो एक तो प्राइमा फेसी ऐसा इसका जवाब दिखता है कि स्ट्रेंथ क्यूब फेल हो गए, तो स्लैब रिजेक्ट कर दो, कंक्रीट रिजेक्ट कर दो, लेकिन वो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो इससे एक महत्वपूर्ण मुद्दा महाराज ये निकलता है कि कंक्रीटिंग के पहले आपको सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार कंक्रीट कास्ट हो गया उसके बाद डिसमेंटल होना असंभव है। ये ध्यान में आपको, वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसे चेक करना, मटेरियल की क्वालिटी, वर्कमैनशिप वगैरह वगैरह, बहुत अलग सब्जेक्ट है वो। यहाँ पे खाली मैं आपको कॉशन दे रहा हूँ कि कास्टिंग के पहले वी नीड टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। अब सवाल ये आता है कि M20 की स्ट्रेंथ इवन 28वें दिन भी उतनी नहीं आती है, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो क्यूब्स वास्तव में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो कंक्रीट आपने कास्ट किया हुआ है
उसकी क्वालिटी वास्तव में अच्छी नहीं है, ये एक संभावना है। लेकिन दूसरी एक और संभावना है कि जो क्यूब्स कास्ट किए थे उसके बाद में क्यूब्स के ऊपर क्यूरिंग जो अपेक्षित है वो क्यूरिंग आपने नहीं किया हुआ है। ये ध्यान में आया कि आपको जो क्यूरिंग एक्सपेक्टेड है क्यूब्स के ऊपर, अभी मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक साइट पे इसी प्रकार से क्यूब्स फेल हो गए, 7 डेज फेल हो गए, 28वें दिन भी फेल हो गए। उसके बाद हमने पता किया कि वो क्यूब्स का क्यूरिंग किस प्रकार से किया था, क्योंकि अभी तक जैसे आपने पूछा वैसे स्लैब साइट पे कास्ट हो चुकी थी आए धन में। तो हमने चेक किया कि वो क्यूब्स का क्यूरिंग कहाँ पे किया है, तो पता चला कि वो साइट के ऊपर जो बाकी क्यूब्स थे वो जस्ट ऐसे सूखे पड़े हुए थे विदाउट एनी क्यूरिंग। तो अगर आपने क्यूब्स का क्यूरिंग नहीं किया तो उसमें स्ट्रेंथ आने वाली नहीं है, वो क्यूब्स फेल होने वाले हैं। इसलिए आपको इमीजिएटली जैसे ही क्यूब्स कास्ट करेंगे दूसरे दिन उसको मोल्ड में से निकाल के साइट के ऊपर क्यूरिंग पॉन्ड जो है उसमें डाल देना चाहिए। ये ध्यान में आया, तो जरा एक बार सारांश में फिर से देखते हैं कि देखिए 7 डेज स्ट्रेंथ अगर रिक्वायर्ड नहीं आती है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपने OPC यूज़ किया है तो चिंता का विषय है, लेकिन अगर PPC यूज़ किया है तो रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ वो कम है, OPC की तुलना में कम है। तो हो सकता है कि जब 28वें दिन की टेस्ट आप करें तो आपको ध्यान में आएगा कि अभी रिजल्ट्स करेक्ट आ रहे हैं। ये ध्यान में दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपने 20 M20 कास्ट किया हुआ है और 28वें दिन की स्ट्रेंथ क्यूब से टेस्ट की है, वो अगर सफिशिएंट नहीं आ रही है तो एक पॉसिबिलिटी हमने बताई कि वो क्यूब्स का क्यूरिंग करेक्ट नहीं हुआ है। ये ध्यान में अब चलते आगे कि अगर हमने 7 डेज की स्ट्रेंथ चेक की वो बराबर नहीं आई, 28वें दिन की टेस्ट की वो भी बराबर नहीं आई, क्यूब्स की हमने क्यूरिंग देखी वो भी करेक्ट नहीं है, या समझ लो वो करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ तक कि सारी साइट की प्रोसीजर्स करेक्ट है, फिर भी स्ट्रेंथ अगर बराबर नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए, ये अहम सवाल सबके सामने आता है। तो पहली चीज आपको यह करना है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अलग अलग प्रकार से होते हैं, उसमें दो नाम अभी याद रखिए, एक नाम है स्मिथ हैमर और दूसरा फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रेन गेजेस स्ट्रेस गेजेस। आए ध्यान में, स्मिथ हैमर से आप ऑन द स्पॉट किसी भी कंक्रीट की पोस्ट कंक्रीटिंग टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं इसमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है या नहीं है। ये ध्यान में आपको, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए कि अगर क्यूब्स फेल होते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और आगे एक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस इज संतोष कुलकर्णी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए खास तौर पे बनाए गए वीडियोस है, तो देखते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अरे हाँ, मैं तो आपसे कहना भूल गया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इस चैनल को तो इमीजिएटली बेल का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग आ गए हैं। ओके, एंजॉय, बाय बाय, सी यू।